फ्रेंचाइजी के साथ अपने एक्शन फिल्मों से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले रोहित शेट्टी एक बार फिर दर्शकों पर वही जादू चलाने के लिए वापस लौट रहे हैं। डायरेक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म सिंगन अगेन को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। ये उनके मशहूर कॉप यूनिवर्स की 5वीं फिल्म होगी। सिंगम अगेन की बात करें तो ये फिल्म साल 2011 में आई सिंगम और 2014 में रिलीज हुई सिंगम रिटर्न्स का तीसरा पार्ट है। सिंगम फर्स्ट और सिंगम टू के सफलता के बाद अब निर्देशक ने सिंगम 3 की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। अब देखना है कि सिंगम 3 बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल करती है। फिल्म की स्टार कास्टिंग इन दिनों काफी सुर्खियों में है। पिछली दोनों फिल्मों में जहां रोहित शेट्टी और अजय देवगन की जोड़ी ने धमाल मचाया था, वहीं इस बार फिल्म की स्टार कास्टिंग थोड़ी बड़ी है। अभिनेता और निर्देशक की जोड़ी के साथ कई और सितारों को लेकर पावरफुल अंदाज में दर्शकों के बीच सिंगम अगेन लेकर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। इस फिल्म के चर्चा में होने की मुख्य वजह इसकी स्टार कास्टिंग है। अजय देवगन बाजीराव सिंगम में किरदार में नजर आएंगे। अजय के इस किरदार को हमेशा पसंद किया गया है। अजय देवगन के अलावा करीना कपूर फिल्म में फीमेल लीड में नजर आएंगी, वहीं अर्जुन कपूर विलन की भूमिका में नजर आएंगे। बता दें कि इससे पहले इशकजादे और औरंगजेब फिल्मों में भी अर्जुन कपूर निगेटिव किरदार में नजर आ चुके हैं, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। सिंगम अगेन की रिलीज डेट की बात करें तो ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म का क्लैश अल्लू अर्जुन के पुष्पा 2 से होगा। दोनों ही फिल्में एक दूसरे पर भारी पड़ने वाली हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इसकी कमाई पर कोई असर पड़ेगा या नहीं।